Hey guys, what's up? This is Ujjwal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So, video को last तक देखिए अगर जानना है दोनों चीज़ों के differences, data science and cloud computing. तो हम समझेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे भाई होता क्या है, क्या चाहिए होता है, क्या पढ़ाई होता है, क्या फील्ड होते हैं, कितने सैलरी होता है, बेटर कौन सा है, आसान कौन सा है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे दोनों फील्ड के बारे में. लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा. तो पहला हमारे पास क्या था, डेटा साइंस है क्या चीज़, मैं आपको बता देता हूँ. डेटा साइंस क्या है, जो डेटा हमारे पास होता है, डेटा मतलब क्या होता है, कोई काम हो रहा है उसका डेटा, ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका डेटा, पढ़ाई कर रहे हो उसका डेटा, मैं बात कर रहा हूँ नेट पर कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट्स हो रहा है उसका, उसका जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसको बोलते हैं डेटा. नेट पर जो कितने इवेंट्स होते हैं उस डेटा का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, फोरकास्ट कर पाएंगे, जान पाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेटा आ जाता है, आप लोग जो वीडियो देखते हो कहाँ से देखते हो, कितने टाइम तक देखते हो, कौन कितने टाइम तक देख रहा है, मतलब पर्टिकुलर नहीं एवरेज में उस, ये हमारे को डेटा मिलता है वो क्या है, डेटा साइंस ही है, जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि कौन सा वीडियो को आप लोग ज़्यादा पसंद करे हो, कौन से को सबसे कम पसंद करे, कौन से को ज़्यादा पसंद करे. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेटा साइंस बोलते हैं. तो यहाँ पर जो डेटा होता है स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. उस डेटा का यूज क्या करते हैं, कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का वैल्यू मतलब जो प्राइस बढ़ाते हैं या फिर नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं. दैट इज द वर्क ऑफ डेटा साइंस का एप्लीकेशन हर फील्ड में है. अगर एजुकेशन की बात करूँ, कॉमर्स की बात करूँ, ऑटोमोबाइल की बात करूँ, हेल्थ की एक बात करूँ, इवन पॉलिटिक्स में भी इसका यूज होता है डेटा साइंस का. अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मतलब एक बार वीडियो वायरल होता है क्लाउड मतलब क्या आसमान में, ऐसा नहीं होता है. क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है समझाता हूँ. देखो एक्चुअली ये डेटा स्टोरेज का ही पार्ट है, राइट. तो अच्छा और एक बात यहाँ पता, डेटा साइंस वालों को क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए. जैसे लाइक AWS है, Azure, माइक्रोसॉफ्ट Azure है और भी है, उनका बेसिक पता होता है ना, आसान रहता है, उनको पता लगता है डेटा के बारे में, राइट. बिकॉज डेटा काम है तो डेटा यहाँ पर स्टोर होता है. क्लाउड में क्या होता है, स्टोर होता है डेटा. क्लाउड मतलब क्या होता है, कोई आसमान में नहीं है, वो भी स्टोरेज ही होते हैं, मतलब उसमें भी हार्ड डिस्क लगता है, वहाँ पर स्टोर किया जाता है. बट फर्क क्या होता है ऐसे नॉर्मल में क्लाउड में, क्लाउड में क्या होता है बेसिकली, आजकल ग्रो क्यों कर रहा है क्लाउड, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है. क्लाउड में हम क्या करते हैं, जितना हम यूज करता है, यूजर जितना यूज करता है वो उतना क्या करता है बेसिकली आपका, वो उतना पे करता है, जितना यूज कर रहा है उतना पे कर रहा है. दैट इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली, ये स्टोरेज का पार्ट होता है कि डेटा कहां पर स्टोर हो रहा है इंटरनेट के जरिए. दैट इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग. आई होप समझ गए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे स्किल्स क्या क्या चाहिए, डेटा साइंस में क्या स्किल चाहिए होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या स्किल चाहिए होता है, क्या क्या आप लोगों को पता होना चाहिए. तो स्टैटिस्टिक्स मैथ से यहाँ पर डेटा रैंगलिंग चाहिए, SQL, NoSQL मतलब यहाँ पर प्रोग्रामिंग चाहिए, पाइथन, आर, डेटा विजुलाइजेशन चाहिए. यहाँ पर डेटा विजुलाइजेशन में कुछ टूल्स यूज करते हैं, पावर BI यूज करते हैं, टेबल यूज करते हैं, कहीं जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज करते हैं. उसके अलावा क्या बिग डेटा के बारे में पता होना, डेटा माइनिंग है, बिग डेटा है, ये सब पता होना चाहिए डेटा साइंस के अंदर. बट हर चीज सबको नहीं पता होता है, सबका बेसिक बेसिक नॉलेज होता है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या होता है उसको खतरनाक नॉलेज होता है, जिसकी वजह से वो पैसे कमाता है, राइट. अच्छा नेक्स्ट यहां पर कुछ और बात करूंगा अभी. नेक्स्ट हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या चाहिए आपके पास, जो स्किल है, PHP चाहिए, .NET चाहिए, जावा, पाइथन, MySQL, Hadoop, Linux, Microsoft OS तो आता ही होगा आपको, AWS, Microsoft Azure वो भी आता है इसमें, XML, SOAP, वेब सर्विसेज है, APIs आना चाहिए, क्लाउड सिक्योरिटी आपको आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. DevOps का बहुत अच्छा सैलरी है, बहुत अच्छा डिमांड है, लाइक अगर वेब डेवलपमेंट की बात करोगे फुल स्टैक डेवलपमेंट का बहुत अच्छा सैलरी है. DevOps हर फील्ड में आता है, सॉफ्टवेयर फील्ड में हर जगह पर आएंगे DevOps, राइट. DevOps मतलब क्या होता है, पूरा कंप्लीट बोल सकते हो जानकारी, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सॉफ्टवेयर बनाने से बेचने तक, सर्विस तक, हर चीज यहाँ पर DevOps के अंदर आया था, राइट. तो इसलिए इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट. अच्छा नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, क्या क्या पार्ट्स है बेसिकली. पहले हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के पार्ट्स, बिकॉज डेटा साइंस के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत टाइम बता चुका हूँ है क्या चीज़, कहाँ पर है, बहुत सी चीज़ बता, बहुत सर वीडियो बना चुका हूँ डेटा साइंस का और लाखों लोगों ने देखा भी उन वीडियोज को, पुराने वीडियोज को, नए वीडियोज को लाख बंदे नहीं देखे, अभी हजारों बंदों ने देखा है.
टाइप्स की बात करेंगे तो यहाँ पर चार टाइप्स होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं, हाइब्रिड में दोनों आता है। और आपका मल्टी लोड्स में क्या होता है, थोड़ा सा हाइब्रिड भी आता है, प्राइवेट भी आता है, और उसके बाद आपका पब्लिक भी आता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स आते हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग उसमें बाय करते हैं एक ही जगह से, दैट इज मल्टी लोड्स बोल सकते हो, राइट। आजकल कंपनीज को यूज करती हैं या फिर इसको यूज करते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है, हैकिंग हो जाता है। यहाँ पर शेयर्ड हॉस्टिंग आपने सुना होगा, शेयर्ड हॉस्टिंग, राइट। शेयर्ड हॉस्टिंग मतलब क्या, एक बंदा एक सर्वर है वहां पर 50 लोग अपना डेटा घुसेड़ रहे हैं, दैट इज शेयर हॉस्टिंग। और वो होस्टिंग में क्या होता है, उसमें सस्ता पड़ता है, लेकिन भाई डेटा का बहुत सिक्योरिटी रहता है भाई, बाबा कोई भी हैक कर लेता है बाबा। मेरा बहुत सारे ब्लॉग हैक हुए थे पहले, इसलिए मैंने छोड़ दिया शेयर्ड को, ना हुआ अपना क्या करेंगे, अपने डेडिकेटेड लेंगे, आईपी भी डेडिकेटेड लेंगे, बढ़िया रहता है। तो हैक हो जाता है फिर माथा, ऐसा नहीं हैक होता मतलब खत्म कर देंगे ना, आप रिकवर कर सकते हो अगर आपको पता है तो, बट कौन माथा पीछा करेगा, या छोड़ो। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्विसेज, क्लाउड के सर्विसेज होते हैं, जैसे SaaS बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत पैसे कमा रहे हैं लोग, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, PaaS का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट करिए, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इट, मैं जाना चाहता हूं आपको आता है नहीं आता है, लिखो भाई कमेंट करो। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा साइंस में क्या पढ़ते हैं। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो तरह का डेटा होता है, एक होता है क्वांटिटी और एक क्वालिटी, इसका स्टडी करते हैं हम, राइट। पीपल लोग, पर्पस क्या चाहिए, प्रोसेस क्या क्या चाहिए होता है डेटा साइंस में फील इसको करने के लिए, प्लेटफॉर्म्स क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं, एंड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबिलिटी, ये मेन फंडा है डेटा साइंस का। डेटा साइंस कोई भी कर सकता है, टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल, क्लाउड कंप्यूटिंग इन जनरल नॉन टेक्निकल कर लेते हैं AWS वगैरह, बट ठीक है दोनों कर सकते हैं, दोनों फील्ड का कहानी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड का, क्या क्या फील्ड है, मतलब बेसिकली जॉब रूल्स की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से जॉब में है, मतलब कौन कौन से बेसिकली आपके पास पोस्ट हैं उसकी हम बात करें। DS में क्या होता है आपका, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका डेटा साइंटिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट, ठीक है इसमें बिग्रेटर भी आ जाएगा, डाटा माइनिंग भी आ जाएगा, लेकिन चलो ठीक है यही ले लेते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग में नेटवर्क इंजीनियर आता है, सिस्टम इंजीनियर आता है, क्लाउड डेवलपर आता है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, क्लाउड आर्किटेक्ट होता है, डेवऑप्स आ जाता है इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी आते हैं, वहाँ पर भी आते हैं। तो मेजरली जो आपका जॉब रोल्स होता है मैंने आपको बता दिया, सो दैट यू कैन कम टू नो अबाउट ऑल द जॉब रोल्स, एंड आपको पता लगेगा बेस्ट कौन सा है। देखो भाई बेस्ट, इनमें से बेस्ट डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बढ़िया नॉलेज रखते हो प्रोग्रामिंग का, मैथ्स का, स्टैटिस्टिक्स का, गो फॉर डेटा साइंटिस्ट, बाकी भी चीज़ अच्छे हैं। अगर आपको मोज मानना है मेरे जैसे बंदे हो तो मैं तो जाता बिजनेस एनालिस्ट का, भाई इतना टेंशन नहीं रहे बाबा, ठीक है चलो। उसके बाद नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, क्लाउड डेवलपर, उसके बाद ये सारे अच्छे हैं, बट मेरे को लगता है सबसे बढ़िया डेवलपर वाला पोस्ट सबसे अच्छा लगता है, बट डिपेंड करता है आप पर, आपको क्या चाहिए, आप सारे बारे में स्टडी करिए फिर लीजिए। सैलरी की बात करते हैं, डेटा साइंस का सैलरी यहाँ पर बता दूँ पहले, सैलरी भाई एवरेज है, और अभी का सिनेरियो है, कोई 10 साल बाद मेरे को मत बोलना सर आपने बताया 2 मिलियन मैं कमा रहा हूँ 5 मिलियन, भाई तब वैल्यू 5 मिलियन का 2 मिलियन के बराबर ही होगा या फिर उससे कम। तो मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी का जो सिनेरियो है, एवरेज सैलरी, कोई आपका बहु भाई बंधु कम या ज़्यादा कमा रहा है मत बोलना मेरे को, वो पॉसिबल है, एक्सेप्शनल कैसे होते हैं, मैं यहाँ पर 80-90% जो लोग कमाते हैं पैसा उसकी बात कर रहा हूँ, 10% को छोड़ दिया, अगर आप उस 10% में आते हो तो मत बोलो यार, ठीक है, नहीं तो बोलते हैं आप, उन्हें तो ऐसे ही बताया था। फ्रेशर का सैलरी 4-5 लाख, 3-5 लाख होता है, 8-12 लाख, 7-10 लाख होता है, 5 साल बाद, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 15 लाख से 2.4 मिलियन, और यहाँ पर 12 लाख से 2 मिलियन। यहाँ पर मुझे पता है क्लाउड में लोग 4 मिलियन भी कमा रहे हैं, 5 मिलियन कमा रहे हैं, 6 मिलियन भी कमा रहे हैं, लेकिन उसको लेके क्यों बोलूँ आपको, बिकॉज वो एवरेज है भाई, एवरेज नहीं है भाई, इसलिए नहीं बोल रहा आपको मैं। अब अभी आपके पास दो क्वेश्चन आता है, एक आता है भाई कौन सा आसान है बताओ, कौन सा आसान है, डाटा साइंस या फिर डेटा साइंस या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बता दूं भाई आसान तो है क्लाउड कंप्यूटिंग, सिंपल सी बात है, बट जॉब्स ज़्यादा किस में है वो देखेंगे तो उससे पता लगेगा प्रोमिसिंग करियर किस में ज़्यादा अच्छा है। चलिए चलते हैं जॉब्स कहाँ पर ज़्यादा है, तो लाइव गूगल पर आते हैं, गूगल पर हमने सर्च कर दिया क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग जॉब्स, कहाँ सर्च करा भाई, अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग जॉब्स, ठीक है तब देखेंगे यहाँ पर टोटल जॉब्स कितने हैं हमारे लिंक्डइन पर, 12,000 टोटल जॉब्स हैं। नए जॉब्स कितने हैं आपके पास, कुछ रिमोट है कुछ इन इंडिया है, इंडिया में 3,000, रिमोट में 9,000 है। टोटल जॉब्स कितने हैं आपका लगा लो 320-330 के आसपास जॉब्स हैं टोटल हमारे पास, ठीक है।
नया जॉब्स, पुराने जॉब्स कितने, टोटल जॉब्स कितने, 12,000। अगर हम डेटा साइंस की बात करें, टोटल जॉब्स कितने, 98,000, नए कितने हैं, 1200। समझ में आया डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ जॉब्स अगर ज्यादा कहां पर है, डेटा साइंस से फिलहाल है, आगे भी रहेगा बिकॉज का यूज बहुत ज्यादा है। क्लाउड का यूज बढ़ेगा, यस बढ़ेगा। प्रोमिसिंग फ्यूचर दोनों फील्ड में है, यस दोनों फील्ड में है। एक बात ध्यान रखना, यहां ज्यादा जॉब से तो क्या हुआ, ज्यादा बंदे भी पढ़ाई कर रहे हैं भाई एज कम्पेयर टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। यू नीड टू लुक एट बोथ द फील्ड। यहां पर एक मतलब प्रोमिसिंग करिए दोनों फील्ड में, ठीक है। ये था दोनों चीजों का डिफरेंसेस जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।